हेलो गाइस, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं जिससे हमारे न्यू लेटेस्ट न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहें। तो सर गाइस सब्सक्राइब जरूर करना, समझ रहे हो? आंटी भी देख रही है, आंटी भी करेगी सब्सक्राइब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग सब? वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो दोस्तों, आज भी हमारा छुट्टी है, इस बार 2 दिन छुट्टी मिला है। तो संडे था 14 अगस्त और 15 अगस्त, जैसे जान रहे हो आप, इंडिपेंडेंस डे, तो इसके वजह से आज ड्यूटी का छुट्टी है। तो फिलहाल मैं घर में ही हूँ और अभी सो के उठाऊँ मैं फिलहाल, क्योंकि छुट्टी है मतलब लेट उठना है, सीधी सी बात है। और बाकी कल एडिटिंग कर रहा था तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था, लगभग 12:30 के आसपास। तो अभी फिलहाल तो उठाऊँ मैं और कहाँ जाना है देखते हैं, सोच रहे थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेके आए, क्योंकि कल संडे था तो कल दिन भर लगभग पानी गिर रहा था, तो कल तो कहीं आने जाने मिला ही नहीं। आज देखते हैं, नहा धोकर फ्रेश होके कहीं आसपास का व्यू लेके आते हैं कि क्या है। सुनने में आ रहा है कि हमारे एरिया में गोखले नाला गया है, तो वहाँ पास पानी शायद स्लो जा रहा है कि क्या है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन उधर लगभग बाढ़ आ गया है। तो थोड़ा सा उधर का व्यू भी थोड़ा सा देखना था, क्योंकि 3-4 दिन से आ चुका है बाढ़, कुछ लोगों के घर में घुटने घुटने तक के पानी है। तो एक बार जाके पता करते हैं। फिलहाल तो आज सोच रहे हैं कि हम लोग लगभग 3-4 लोग जाके आएंगे, व्यू देख के आएंगे थोड़ा सा आसपास का। ठीक है, नहा धोकर मिलते हैं। तो नहा धोकर हो गए हैं फ्रेश दोस्तों, एकदम टकाटक। चलते हैं अभी ऊपर की तरफ, देखते हैं तेजस लोग क्या कर रहे हैं। पानी भी चालू होने वाला लग रहा है। तो यहाँ पास इन लोग भी पूजा करने के लिए आ गए, मम्मी और तेजस पूजा कर रहे हैं पास। तो गाइस आप देख रहे हैं सोमू तेजू व्लॉग, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब चीज़ करना वीडियो के एंड में देखने के बाद। चलो आज चलते हैं, दौरे पे निकले हैं, देखते हैं क्या है मौसम का विचार। फिलहाल तो 3-4 दिन हो गया, लगातार बारिश हो रहा है, लगातार उछलाधार चल रहा है, मूसलाधार। ठीक है, यहाँ पे गाड़ी डूबने का नौबत आ जा रहा है, पता है आपको, कि कल वहाँ पास ही एक जगह है वैगनार, पूरा आधा डूबा हुआ है। ये चीज़ मैं अपने व्लॉग में भी बोला, मेरे चैनल भी जाके सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चैनल का नाम है गाइस हर्ष फोटोग्राफी व्लॉग। बाकी आज जो डालते हैं, देखते हैं क्या है माहौल, फिर डालते हैं उसको वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको सुबह में बताया था कि तो दोस्तों जैसे सुबह आपको मैं बताया था कि घर के पास में बाढ़ आया हुआ है, आपको सुबह ही बोला था मैं कि जाके वहाँ पास पता करेंगे। और हमारे साथ है हर्ष यादव, और इनका भी चैनल है हर्ष फोटोग्राफी के नाम पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, जाके फॉलो कर लेना ज़रूर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, दूसरी बार बोल रहे हो यार, ये सब चीज़ तो मैं बोल चुका। और हमारे साथ एक जन और भी है, दीपक भाई इधर भी है, ये देखो पैदल जा रहे हैं। तो अभी हम लोग 3 लोग जा रहे हैं फिलहाल देखने के लिए कि आगे, मतलब लोग वहाँ पास से हटा दिए हैं बोलते हैं, और खाना वाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पुष्पेन साहू जो पार्षद है हमारे, खाना वाना भी लगभग प्रोवाइड कर रहे हैं भाई। 2 टाइम का खाना दे रहे क्या इसमें ना, दीपक भी खाना खाने के लिए जा रहा हो, खाना खाने ही जा रहा हो, समझे, खाना खाने ही जा रहा हो। हाँ, बोल ना बोल गोबर ओबर है। चलो ठीक है, दिखाएंगे, सिर्फ कंटेंट दिखाएंगे, आगे का हम लोग का बकवास सुनोगे तो क्या बोले। इनका चैनल है, मेरे को व्लॉग बनाने के लिए बोल रहे, मेरे को ही बोल रहे हो यार, अपना कंटेंट नहीं दिखाना है क्या कुछ? मेरा कंटेंट हटके रहता है, लाइफस्टाइल, बाढ़ ग्रहिस्त नहीं, बाढ़ ग्रहिस्त तो मेरा भी नहीं रहता, लेकिन मजबूर दिखाना तो पड़ेगा यार। लेकिन ये चीज़ अपने मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, इतना पानी भर चुका है, क्या बोले। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया था, देख सकते हो यही वो थोड़ा कॉलोनी है, और ये अपना रोड जाता है सामने में, बाकी आगे में पूरा गली वली है, और आगे रोड भी है, ये स्कूल है, पूरा स्कूल डूब चुका है यहाँ पास, ये लगभग स्कूल के अंदर पूरा पानी भर चुका है, पूरे एरिया में लगभग पानी भरा हुआ है। तो सामने एक गली गया है,
पूरा लगभग पानी भरा हुआ। कल पुलिस वाले लोग भी आए थे अपना नाव को लेकर, और जितने भी यहाँ पास लोग रहते थे उन लोग को लगभग हटा दिया गया है। यहाँ मोहल्ले के जो पार्षद है वो सहयोग अपना बढ़िया दे रहे हैं। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पास पूरा लगभग स्कूल भी डूब चुका है, और ये गली है। मत जा हर जगह दोस्तों देख रहे हो पूरा पानी पानी है। यहाँ पास कभी लगभग पूरा घर खाली हो गया है, और रोड में तो ऐसा पानी है लगभग घुटने घुटने तक के। पूरा आना जाना भी यहाँ पास का लगभग बंद है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पास का नज़ारा। अभी मैं इससे पहले जो वीडियो बना रहा था वो उस कोंटे से लगभग बना रहा था, तो अभी ये देख रहे हो इतना उफान पर चल रहा है। पहले अभी तो यहाँ तक के पानी आ गया, पहले थोड़ा सा कम भी था। लगभग यहाँ के इधर का पूरा लगभग जंगल डूब चुका है यहाँ पास। और उधर जो आपको दिख रहा होगा, रुको आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, इधर का घर लगभग डूब चुका है यहाँ पास। तो दोस्तों वापस से मैं घर आ चुका हूँ, और देखने गया था वहाँ पर जहाँ पानी भरा था वो नाला के आसपास, तो काफ़ी पानी भरा हुआ है मैं देखा। तो मैं मतलब ऐसे तो व्हाट्सएप में आ ही रहा था, लेकिन सामने से जब देखा तब पता चले कि हाँ काफ़ी पानी भर चुका था। और मैं पैदल पैदल जा रहा था तो फिर लगा कि कुछ नाली का पानी और कुछ वो बाहड़ का पानी मिक्स था, और रोड में आ चुका था वो लगभग। जब मैं वहाँ से गुजरा ना, मेरे को बहुत ख़राब लगा। तो मैं घर आया गाइस, और कपड़े भी लगभग मैं चेंज कर लिया, नहा भी लिया था मैं, मतलब वहाँ से आने के बाद पूरा फ्रेश हो चुका था मैं। और हर्ष भी गया था मेरे साथ में, एक बंदा और भी था, तो वो दोनों अपने घर चले गए। और वो गाइस शासन तो लगभग खाना वाना वहाँ पास दे रही है, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुनकर। और बचाव टीम भी वहाँ पास पहुँच कर अपना जिसके जिसके घर में पानी चले गया था उसको भी निकाल के सेफ जगह में पहुँचा दिए उन लोगों को। ठीक है गाइस, लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, और भारत सरकार अमृत महोत्सव मना रही है इस खुशी पर, बहुत अच्छी बात है। और ये तो मोदी जी ने कहा कि हर घर में झंडे लगने चाहिए, तो किसके किसके घर में झंडे लगे हुए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है गाइस, व्लॉग को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद। ऑल्सो आज़ादी का अमृत महोत्सव दोस्तों, हर घर झंडा हर घर तिरंगा।